पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मुझे पता है तू क्या कर रहा है। मेरे बेटे के सामने तूने उस औरत का नाम तक नहीं आना। तुम्हें मानव से दानव बनने में जरा सा भी नहीं सोचूंगा। मुझे नहीं पता अक्कू कहाँ है। टेन इलेवन ट्वेल्व दादा मैं तो 15 आउट ऑफ 13 आए हैं। 13 आउट ऑफ 15 बेटा। हाँ वही झूठों के शहंशाह। ये देख 13 कौन आ गया। नानी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। I missed you, नानी। नानी को भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम हमें अपना परिवार समझते ही नहीं, वरना सामने से फोन करके कहते ना। मम्मी जी को पता चल गया लगता है। मैं आपको क्या ही कहता मम्मी जी। पूरे फ्लोर पे रैपर्स पड़े हुए हैं, झाड़ू नहीं लगा, घर का क्या हाल बना कर रखा है। अरे नहीं 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 मम्मी जी मैं करता हूं। अरे बैठो आप। माँ हूँ, बेटे के घर का काम कर सकती हूँ। पता नहीं अकेले कैसे मैनेज करते हो सब कुछ। अच्छा खाने वाने का क्या करते हो। देखो बेटा जब तक अक्कू वापस नहीं आ जाती ना तुम हमारे घर आ जाया करो। इस लड़की का तो वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अपने घर गृहस्थी छोड़कर किन चक्करों में पड़ गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि तुम अकेले यथु और घर को कैसे संभालोगे। नहीं नहीं मम्मी जी हम मैनेज कर रहे हैं। वैसे भी आपकी बेटी के सपने इतने बड़े हैं, इन सब की तो आदत डालनी पड़ेगी ना हमें। आप तो यथु भी खुद का अच्छे से ख्याल रखने लगा है। यस डैडा मैं बड़ा हो गया हूँ ना। डैडा ने मुझे नया फोन भी गिफ्ट किया है। बड़े बच्चे मामा के बिना रह सकते हैं। एक्चुअली हमने नोटिस किया है कि यथार्थ को स्टैमरिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ दिनों से वो हकलाने लगा है। ठीक क्या हो गया आपको? आप ठीक हो? कुछ भी नहीं रहना। अरे वाह एक काम करते हैं आपके न्यू फोन से ना सेल्फी लेते। आप लोग सेल्फी लो मैं चाय बना के आता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती। चलो 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 सेल्फी खींचते हैं। स्माइल स्माइल। अच्छा ये तो बेटा अपने इस फोन से मम्मा को मिस कॉल तो दो। वैसे तुम्हें पता है मम्मा तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा और महंगा फोन लाने वाली है। मम्मी जिस काम में बिजी है ना उसके बाद तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। मेरी लाइफ तो अभी ही मस्त है, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता। ये भी कोई लाइफ है? आप देखना आपकी मम्मा ना इससे भी अच्छी लाइफ देंगी आपको। और नहीं तो क्या, देखना आपकी मम्मा बहुत जल्दी वापस आएंगी और आपको अपने साथ ले करके जाएंगी। बेटा काम करते हैं हम बाहर घूमने चलते हैं और मैं तुम्हारी मम्मा से बात करवाऊंगा। मुझे नहीं करनी। अरे अरे चलो ना बाहर, मैं सच में करवाऊंगा बात मम्मा से। मुझे नहीं बात करनी। आपको मम्मा की याद नहीं आ रही क्या? दो मिनट बेटा, डैडा को मामा से बात करनी है। आना सर। क्या हो गया जीजू? मुझे पता है तू क्या कर रहा है, लेकिन एक बात अच्छे से समझ ले करण। वो औरत जो चंद पैसों और ऐशो आराम के लिए अपने पति अपने बच्चे को भूल गई,
जिसने हमें इस घर को छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, अगर तूने मेरे बेटे के सामने उस औरत का नाम तक लिया ना, तुम्हें मानव से दानव बनने में जरा सा भी नहीं सोचूंगा। जीजा जी, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे नहीं पता आपको कहाँ है। चाय ठंडी हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं, सब ठीक है ना बेटा? ये सवाल आप अपने बेटे से पूछिए। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, वो मैं जीजू के साथ कुछ मजाक कर रहा था, वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। Thank you so much and wish you all a very good evening. आप सब जानते हैं कि हम मतलब कि कपूर बिल्डर्स इंदौर की सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें ग्रो करना चाहिए, और सिर्फ इंदौर नहीं, हमें इंडिया की टॉप लिस्टिंग कंपनीज में से एक होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल गोल है, मेरा सपना है, एंड आई होप ये आप सबका भी गोल है। आपके इस नए गोल के साथ मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आपके नए सीईओ से। मीट योर न्यू सीईओ आकांक्षा अवस्थी। रानी सर, कि आकांक्षा मैम की क्वालिफिकेशन क्या है? आई मीन, इतने बड़े बिजनेस के सीईओ बनना कोई आम बात नहीं है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।